हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हो रहा है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ में लेके आई बहुत ही सुंदर दो साड़ियों के रिव्यू, जो कि मैंने मंगाई है मीशो से। और सबसे अच्छी बात है कि मैं इनको पहन ओढ़ के अच्छे से कूट धो के ना आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली, ताकि आपको कोई ये टेंशन न रहे कि इसका धोने के बाद में कैसा कपड़ा निकलेगा, इसमें से कलर तो नहीं जाएगा वगैरह वगैरह। इतनी सारी टेंशन हमें होती है अगर हम फर्स्ट टाइम कहीं से ऑर्डर करते हैं। ये जैसे अगर आपने कभी मीशो को ट्राई नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहते हैं, तो आप बेहिचक आप इनका मैं आपको रिव्यू दूंगी, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, जैसा मुझे आया है वैसा मैं आपको बताऊंगी। और सबसे अच्छी बात है कि मैं इनको वॉश कर चुकी हूँ, अच्छे से यूज़ कर चुकी हूँ, 2 से 3 बार पहन चुकी हूँ, उसके बाद मैं आप लोग सब में ये शेयर करूँ। तो उससे क्या होता है ना कि मैं मतलब कॉन्फिडेंट आप बिल्कुल अच्छे से आपको ये बोल सकती हूँ कि हाँ, ये जो मैंने मंगाया है ये बिल्कुल परफेक्ट है, आप इसको मंगा सकते हो। मैं आप लोग सब में शेयर करूँगी शिफॉन की साड़ी। ये आप मीशो पे जैसे ही आप शिफॉन का कॉम्बो डालेंगे ना, मतलब अगर आप शिफॉन ट्राई करते हैं कपड़ा कि मुझे शिफॉन कपड़े में साड़ी चाहिए, तो आपको ये वाला साड़ी का पैटर्न, इसमें बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन है, बेज कलर है, पिंक है, ब्लू है, ब्लैक है, बहुत सारे कलर मिल जाएंगे आपको। तो मैंने ये जो एक मेहंदी कलर के ऊपर पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत बहुत प्यारा लग रहा है, तो मैंने ये वाली मंगाई थी। आप देख सकते हैं बहुत प्यारी ये साड़ी लग रही है, बहुत ही लाइट वेट कपड़ा है इसका। और इस तरीके से पूरी साड़ी पे ना पाइपिंग टाइप की जैसे लगी थी, इस तरीके से बॉर्डर आपको मिल जाएगा। फुल साड़ी है, छोटी छोटी बूटियाँ आपको मिल जाएंगी, इस तरीके की छोटी छोटी बूटी मिलेगी। और इसका जो प्राइस है ना बहुत ही कम, 350 या 379 करके, जैसे अगर फर्स्ट टाइम ऑर्डर करते तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बावजूद भी आपको कूपन लगा सकते हैं, जैसे पेटीएम से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं या किसी भी तरीके से पेमेंट करें तो उसके भी कूपन लग जाते हैं। तो बहुत कम रेट में, मतलब 400 के अंडर में आपको ये पड़ जाएगी। बहुत ही सॉफ्ट इसका फैब्रिक है, इसे पूरी साड़ी है ये, और आपको आराम से बहुत लाइट वेट गर्मी के मतलब कि बहुत अच्छे से आप पहन सकते हो। और बहुत अच्छा ये इसका आंचल, इस तरीके ये जो आपको ये बॉर्डर मिलेगा ये आपको पूरी साड़ी में इस तरीके से मिल जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे पड़ेगा। और इसका मैं आपको आंचल दिखा देती हूँ, तरीके से ये आंचल पे आपको टेसल्स मिल जाएंगे। और ये पूरा जो है ना, ये पूरी जो एम्ब्रॉयडरी आप देख रहे हो इस साइड में, और 350 की रेंज में बहुत अच्छी साड़ी है। बहुत लाइट वेट इसका कपड़ा है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, बिल्कुल भी फैब्रिक ऐसा नहीं है जो आपको इरिटेट करने वाला या बहुत एकदम बहुत, आप देख सकते हो कितना, देखने से आपको पता चलेगा कितना लाइट वेट ये वाला कपड़ा है। और इसके साथ में मुझे बकायदा ब्लाउज पीस भी मिला, जो कि मैं रेडी करा चुकी हूँ। आप देख सकते हैं इसका ब्लाउज पीस मैंने किस तरीके से रेडी करा है, पीछे इसमें मैंने इस तरीके से पाइपिंग लगवाई, क्योंकि इसके साथ में जो आप उसको पहनोगे ना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है पिंक के साथ में मेहंदी कलर, किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में या किसी जैसे मेहंदी फंक्शन होते हैं या अपने घर के किसी फंक्शन में आप किसी भी गेट टुगेदर में जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा साड़ी पहनने का मन है, तो बहुत लाइट वेट गर्मी में और बहुत अच्छा इसका फैब्रिक कलर कॉम्बिनेशन, तो इसका बिल्कुल बेस्ट है क्योंकि पिंक और मेहंदी का कलर कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लगता है। तो मैंने जो ब्लाउज बनाई है आप देख सकते हो, इसमें प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी इस तरीके से मिला हुआ था जो ब्लाउज पीस में मिला है। मैंने इसमें एक्स्ट्रा सिर्फ इसमें यहाँ पे लेस लगवाया है ताकि थोड़ा सा लुक और अच्छा इसमें इन्हेंस करने के लिए ब्लाउज को, तो मैंने इस तरीके से थोड़ा सा बैक साइड से डीप नेक रखा है इसका। आप देख सकते हो मैंने इसमें थोड़ा डोरी भी लगवा ली, तो पहन किसी भी फंक्शन वगैरह में पहनते तो बहुत प्यारा लुक इसमें आएगा आपका। एक इसमें इस तरीके से उन्होंने टसल्स भी लगा दिए हैं जो जहाँ से मैंने सिलाई कराया है, और फ्रंट का नॉर्मल इस तरीके से, लेकिन पाइपिंग जो है उन्होंने पूरे पीछे से लेके पूरे गले में दे दी, तो लुक इसका पहनने के बाद में ना सिंपल सोबर लुक, और कभी भी इसका फैशन जो है आउट नहीं होता है, तो पहनने के बाद में साड़ी बहुत ही प्यारी लगेगी इस तरीके से ब्लाउज के कॉम्बिनेशन के साथ में। तो आप छोटे मोटे फंक्शन के लिए मंगा सकते हो, बिल्कुल बेझिझक बेहिचक। और इसको मैं कई बार इसको मैं धो चुकी हूँ अच्छे से, मैंने इसको पहन के देख चुकी हूँ, इसमें न कलर का कोई प्रॉब्लम है ना ही किसी भी तरह की कोई और प्रॉब्लम है। ये तो बहुत अच्छा ये वाली साड़ी मुझे पसंद आई, क्योंकि अगर आप 350 रुपये में साड़ी मिल रही है वो भी इतनी लाइट वेट इतनी अच्छी फैब्रिक में, तो और आपको क्या चाहिए कि आज के टाइम में 350 रुपये में क्या मिलता है। सेकेंड जो साड़ी है ना, अगर आप कॉटन फैब्रिक की साड़ी पहनना पसंद करते, एक कॉटन फैब्रिक जो होता है ना वो एक स्मार्ट ही लुक, एक अलग ही होता है, उसके साथ में आप किसी भी चीज़ को मतलब आप नहीं कंपेयर कर सकते कि कॉटन के साथ में किसी और कंपेयर को कौन सा धोना चाहिए। कॉटन कॉटन है, कॉटन हमेशा बेस्ट है। तो मैंने मंगाया है कॉटन की ये वाली साड़ी। आप देखोगे ना जब आप कॉटन का वहाँ पे लिस्ट में डालोगे कि आपको कॉटन की साड़ी लेनी, तो ये वाला आपको ज़रूर दिख जाएगा वहाँ पे। इसका कलर कॉम्बिनेशन दोनों बहुत प्यारे हैं, और आप यकीन मानिए इतना सॉफ्ट फैब्रिक है ये, इसका पूरा आंचल मिलेगा आपको, बस तरीके से मिलेगा, ये पूरा आंचल आ रहा है इसमें, और ये येलो कलर की इस तरीके साड़ी आएगी पूरे में। आप देख सकते हो मैंने फॉल वाली ये मैं 2 से 3 बार पहन चुकी हूँ, वॉश भी कर चुकी हूँ, इसमें से कलर की
कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 650 के रेंज में मुझे पड़ा था। सबसे सुंदर इसमें जो है ना, इसमें पूरी साड़ी में इस तरीके से छोटे छोटे पॉम पॉम टाइप के दे रखे हैं, तो इससे लुक जो है ना बहुत ही प्यारा और भी सुंदर खुल के आते हैं। मैं आपको पूरी साड़ी दिखाती हूँ, ये इसका आँचल है। और आप जब इसको पहनते हैं ना, मतलब एक लुक ही आपका बिल्कुल अलग चेंज हो जाता है। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर लुक इसको पहनने के बाद में आता है। और इसमें जो चार चांद लगा रहे हैं ना, ये जो पॉम पॉम उन्होंने पिंक करके दे रखे हैं, बहुत प्यारा लेस के साथ में पूरी साड़ी में इस तरीके से आपको ये पॉम पॉम मिल जाएंगे। और बिल्कुल ये प्रिंट इसके ऊपर किया हुआ है, बिल्कुल इसका प्रिंट कहीं से कहीं किधर भी नहीं गया। जैसे ये साड़ी मुझे रिसीव हुई थी, सेम बिल्कुल धोने के बाद में भी वैसे ही है। और बहुत अच्छा कलर इसका है, कलर वगैरह भी कुछ नहीं किया, कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट लग रहा है इसका। इस तरीके से पूरी साड़ी आपको मिल जाएगी। और अगर मैं इसके फैब्रिक की बात करूँ, इतना सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक है ये ना, बिल्कुल भी हार्ड कॉटन वाला नहीं, बहुत सॉफ्ट, जो एकदम होता है ना बॉडी पे एकदम से बहुत समिट जाने वाला। एक कॉटन होता है थोड़ा सा खड़ा खड़ा टाइप का, आपको पहनने में थोड़ा सा कि बैठने में उठने में प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज़्यादा फूला फूला, ये वैसे वाला कपड़ा नहीं। इसको ये एकदम एकदम सॉफ्ट वाला कॉटन है, बहुत आराम से जैसे आप चाहो उसको वैसे प्लीट कर सकते हो। आप देखो, देखने से ही पता चल रहा होगा आपको इसके फैब्रिक का कि कितने ईजिली ये बिल्कुल बैठ रहा है कपड़ा। बहुत ही बेस्ट इसका कपड़ा है, बिल्कुल मतलब 650 रुपये में कॉटन की, वो भी प्योर कॉटन की साड़ी आपको मिल रही है। अगर आप कॉटन के पहनने के शौकीन है ना, तो बहुत सुंदर, इसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है साड़ी। तो ये 650 का मुझे पड़ा था और डिस्काउंट वगैरह सब लगा के वो मुझे 350 के अंदर में पड़ा था। दोनों ही साड़ी अपनी जगह बिल्कुल बेस्ट हैं। अगर आप मंगाना चाहते हैं, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये प्योर मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, क्योंकि ये मैं धो चुकी हूँ, अच्छे से पहन चुकी हूँ, 3 से 4 बार मैंने यूज़ कर चुकी हूँ, उसके बाद में मैं आपको लगी। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे रिटर्न ऑप्शन होते हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पैसे भी आपको इजीली रिटर्न हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा वे है, अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आराम से मंगा सकते हैं बिना टेंशन के, क्योंकि आपको रिटर्न अगर आपको पसंद नहीं आते किसी भी रीज़न की वजह से तो रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन दोनों साड़ी में से कोई सी भी साड़ी एक मंगाना चाहते हैं तो बिल्कुल मंगा सकते हैं, क्योंकि ये मैंने अपना धो के पहन के अच्छे से इस्तेमाल कर रखे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा मीशो वाला हॉल पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने दो साड़ी मंगाई थी अपने को प्रॉपर हॉल के लिए मंगाई थी, अपने डेली यूज़ के लिए मंगाई थी। तो मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ में ये शेयर करना ठीक समझा कि चलो आपको इस बहाने आप लोगों के साथ में शेयर भी कर लूँगी और आपको बता भी दूँगी कि भाई धोने पहनने के बाद में ये बिल्कुल वैसा ही कपड़ा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरी वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।